हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नविता फ्रॉम नविताज किचन। ये जो मेरा व्लॉग है, एक्चुअली ये काफ़ी पुराना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ प्रॉब्लम थी, तो ये जो है ये वाली क्लिपिंग जो है एडिट नहीं हो पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो इसलिए फिर मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर और व्लॉग्स जो है मैंने अपडेट किए थे, अपलोड किए थे यूट्यूब पे, तो इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया है। ये एक्चुअली दिसंबर का व्लॉग है, हम बच्चों को लेके गए थे। ये बच्चों के लिए जो है एक तरह से फेट लगा हुआ था जयपुर में, 3 और 4 दिसंबर को कुकड़ू को मतलब जयपुर में फेस्ट था, LIT फेस्ट था, जैसे आपके याद देखो आप देख पा रहे हैं कुकड़ू को LIT फेस्ट जयपुर में, लेकिन जवाहर कला केंद्र है उस जगह पर था ये। पर मैं नहीं इसको एडिट कर पाई थी टाइम से, और मैं नहीं इसको अपलोड कर पाई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, लेकिन अब ये ठीक हो गया है, तो इसलिए मैं इसे अब से अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कि बच्चों के लिए बहुत कुछ था। यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे इनको ये ऐसे कार्ड्स ये दिख गए डॉक्टर्स के बने हुए फेसेस, तो यहाँ पे ये खड़े हो गए और पापा इनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पे बुक स्टॉल थी बहुत बड़ी, हर मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, बच्चों के एजुकेशन से, बेड टाइम स्टोरीज, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ थी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी मतलब बुक्स थी बच्चों के लिए, जो बच्चे आराम से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब इन सबको देखना, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, और एक्सपेंसिव भी थी, थोड़े पॉकेट फ्रेंडली भी थी, अच्छा लग रहा था ये सब देखना। सबसे बड़ी खुशी होती है बच्चों की, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत खुश थे, तो वही अच्छा लग रहा था उनको देख के। यहाँ पे देखे, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टॉल लगे हुए थे, मतलब क्राफ्ट के थे, बच्चों से ही रिलेटेड थे, स्टेशनरी की, अलग अलग टाइप के बैग्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, बहुत किस्म के अलग अलग चीज़ें थी। लकड़ी की शॉप देखो। धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, एक क्या है कि ब्लू कलर में एक आदमी को ऐसे स्टैचू बना के मतलब रखा हुआ था, तो सब बच्चे जो है उसे हैंडशेक कर रहे थे, शेक हैंड कर रहे थे, तो वह यूनिक सा लग रहा था, और जिस तरीके से उसे खड़ा किया गया था तो बहुत अट्रैक्शन थी ये क्राउड के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को इसको भी देखना। तो वो सब उन जितने भी बच्चे थे, बड़े लोग थे, सब उनसे जो है हाथ मिलाना मांग रहे थे। तो इसी तरीके से फिर ये इस तरफ डार्ट गेम की तरफ आ गए, तो ये डार्ट दोनों खेल रहे हैं, तो दोनों ने बहुत अच्छा मतलब डार्ट गेम भी इंजॉय किया, खेला। Yes, say yes. Both. Both? Both, you should read this. Come, I'll tell you. See, one side is English, one side is Hindi. Yeah, very nice. हाँ, ये वाला देखो, बंदर है, horse है, है ना difference? You like? सेम कैरेक्टर से अलग अलग स्टोरीज हैं।
यहाँ पे देखे बच्चे सब बैठे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टोरी टाइम था। यहाँ पे बहुत अच्छी बच्चों को एक स्टोरी सुनाई गई थी, एक मोरल स्टोरी थी बच्चों के लिए, तो बच्चों ने यहाँ पे भी खूब इंजॉय किया। खूब मस्ती वाला टाइम था यहाँ पे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पहले थोड़ा वार्म अप इन्हें करवाया गया, देन उसके बाद एक मैम आई थी यहाँ पे, जो कि मतलब उन्होंने एक बुक्स भी लिखी है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्शन से जो है बच्चों को स्टोरी सुनाई, और बच्चों ने खूब इंजॉय करा, उसको समझने की भी कोशिश करी कि किस तरीके से एक लेज़ी जो है कैटरपिलर था, और फिर बाद में वो कैसा इतना अच्छा बन गया। तो उसी के रिलेटेड मेरा स्कूल से स्टडी से रिलेटेड था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास ना आपके लिए एक एक्टिविटी प्लान, आप खेलोगे? या ओके, तो आपको एक्टिविटी पे फन करना है। ओके, आर वी रेडी? आर वी रेडी? ओके, सो एक ना रूल है इस स्टेज का, इस एरिया का, कि जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ ना, आपको बिल्कुल लाउडली यस बोलना है। ओके, समझ गए? यस बोलेंगे। साइमन सेज क्राई, Simon says laugh again. Simon says tattoo. Simon says dance. Dance. Simon says dance. Are kisi ko hil tell you one it. Here I am. I'm going to tell you an interesting story. Are you all ready? I've also written a book and I've been taking storytelling since many years like a hobby. Okay. So before I start, okay, we'll sing a song because our caterpillar loves it. All right? So repeat. Roly poly caterpillar. Clap, clap, clap. What? Oh, Wrigley is feeling shy. Should it feel shy? Yes or no? Do you feel shy when you meet somebody? यहाँ पे क्या कि बच्चों को कैटरपिलर जो है उससे रिलेटेड क्या कुछ स्केचेस बनाने थे, अपने ओन पे कैटरपिलर बनाना था, ग्रास हट कुछ भी आप बनाइए मतलब। तो दोनों बच्चों ने भी जो है पार्टिसिपेट किया, जैसे भी उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग जितना भी उसे ड्राइंग आता है विशाल ईशा को, तो दोनों ने मिल के जो है कैटरपिलर बनाया, एक ट्री बनाया। तो अच्छा लग रहा था कि बच्चे चाहे या ना आए कुछ, लेकिन हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को भूख लग रही थी, अच्छा लग रहा था उनको, तो फिर आइसक्रीम खाने लगे, उनको आइसक्रीम दिख गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये वुडन का जो है वर्क किया हुआ है कितने अच्छे से, मतलब हर चीज़ वुडन से बनी हुई है। इसके सारी चीज़ें जैसे फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम्स हो गई, हैंगिंग्स हो गई, बच्चों के वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सब इस तरीके से, और वो साथ के साथ बना के भी दिखा रहे थे। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ थी, इसमें काफ़ी गेम्स थे इंटेलिजेंट वाले। तो यहाँ पे देखिए फूड कोर्ट भी था, तो यहाँ पे बच्चों को भूख लग रही थी, दोपहर हो गई थी, तो उनके मनपसंद केक और कपकेक्स वगैरह सब दिख गए थे। तो बस उनको थोड़ा सा हमने दिला दिया था, हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे स्नैक्स खा लिए थे। तो यहाँ पे वफ़ल्स बन रहे थे चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी के, काफ़ी कुछ था यहाँ पे, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फूड कोर्ट भी अच्छा था, काफ़ी चीज़ें थी, पिज़्ज़ा था, बर्गर था, काफ़ी कुछ था। देन बस अब हम घर के लिए जा रहे थे, बहुत देर हो गई थी, तो बच्चों को आते आते रास्ते में पार्क सा दिख गया, तो कह रहे मम्मा थोड़ी देर हम खेल लेते हैं। तो बस वो थोड़ा सा भागा दौड़ी अपने कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ, और ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए इस चैनल पे, लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, मुलाकात होएगी आपसे। तब तक अपना और अपना का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।